हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो जो पोस्ट था 1/13 वाला स्पेशल एजुकेटर का, जो 2013 में आया था, उसके सेकंड पार्ट की वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन 1-6 से 150 तक के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन, जो स्कूल की मैनेजमेंट की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर आ जाती है? प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजर या ऑल ऑफ दिस? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रिंसिपल। जितनी भी मैनेजमेंट वगैरह होती है वो जनरली प्रिंसिपल ही देखता है स्कूल्स के अंदर। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज, जो स्कूल के अंदर डिसिप्लिन है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, जो स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, तो ये भी ठीक बात है। टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट कंडक्टिव फॉर टीचिंग, और एक इन्वायरमेंट जो कि कंडक्टिव हो टीचिंग के लिए वो क्रिएट करना, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्राइमरी लेवल टीचिंग टॉट रेशियो वॉज 1:39। तो ये कौन सी एजुकेशनल सर्वे ने दिया था कि जो रेशियो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स का वो 1:39 होना चाहिए? तो ये जो 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग था कि जो रेशियो होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का वो 1:39 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The fault in computer program which prevent it from working correctly is known as, जो फॉल्ट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर तो उसे जो इसे ढंग से काम नहीं देने करने देता, वर्क प्रॉपरली वर्क नहीं करने देता, तो उसे हम कहते हैं बग। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट, जो लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो हम कहाँ सीखते हैं? तो वो हम सीखते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी में। नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स, जो ड्रॉपिंग आउट होता है बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं तो उसका क्या मीन होता है, क्या मतलब होता है? टू कम टू स्कूल कैजुअली, कभी कभी स्कूल आना, या फिर स्कूल को पूरा हमेशा के लिए फॉर एवर लीव कर देना। तो जो ड्रॉपिंग आउट का मीनिंग होता है वो होता है टू लीव द स्कूल फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल, तो जो गुड टाइम टेबल का इनमें से कौन सा बात ठीक नहीं है? तो जो टाइम टेबल हो वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, टाइम टेबल के अंदर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एक्टिविटी भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स भी होना चाहिए, पर जो इसके अंदर रुथलेस मास्टर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो नॉट पूछा था, तो गुड टाइम टेबल का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो वो है रुथलेस मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीज़न फॉर एबसेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल, जो बच्चे एबसेंट होते हैं और स्कूल नहीं आते, स्कूल छोड़ जाते हैं, तो उनमें से क्या ऑप्शन है, इसका करेक्ट रीज़न क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, जो सिलेबस है उसमें इंटरेस्टिंग सिलेबस ना होना, पुअर टीचिंग मैथड या मैथड्स ऑफ टीचिंग, इनफेक्टिव टीचर, जो पढ़ाने वाला टीचर है वो इनफेक्टिव है, उसे ढंग से पढ़ाना नहीं आता, उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो ये हुई थी 26th of September 1985 के अंदर। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ डिस्कशन मेकिंग इज, जो स्कोप होता है डिस्कशन मेकिंग का वो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, कि बच्चा ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज डेवलप हो जाए, स्किल्स डेवलप हो। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज डक्टलेस ग्लैंड्स, ये भी ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट इज डिस्कस्ड इन टीचर्स डायरी, तो जो टीचर्स की डायरी होती है उसके अंदर इनमें से कौन कौन सा आस्पेक्ट या बातें लिखी होती है? तो टीचर्स का टाइम टेबल होता है, जो क्लास टाइम टेबल वो भी होता है, टीचिंग का कंटेंट भी होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से हम क्या समझते हैं? बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, दैट थिंग्स विच पर्सन बिलोंग्स, स्पीच दैट पर्सन स्पीक्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड हैबिट. हैबिट हैबिट क्या होती है? हमारी रिपीटेशन ऑफ एनी वर्क. ठीक बात है कि कोई भी किसी भी कार्य को हम रिपीट करते रहते हैं तो एक हैबिट बन जाती है. और इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो ये भी ठीक है. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज हाउ शुड टीचर मेजर द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. जो टीचर है उसे एक बच्चे की एबिलिटी को कैसे मेजर करना चाहिए? बाय एग्जामिंग, एग्जाम्स लेके, आज स्टूडेंट से पूछ के, आस्किंग विद पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स से पूछ के. तो ये तीनों ऑप्शन गलत है. जो करेक्ट आंसर है वो है बाय एनालाइजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज हाउ शुड टीचर मेजर द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर एक बच्चों की एबिलिटी को कैसे मेजर करना चाहिए? बाय एग्जामिंग द स्टूडेंट्स, एग्जाम्स लेके, नहीं. बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछ के, नहीं. बाय एनालाइजिंग द रिकॉर्ड ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. जो बच्चों ने काफ़ी अलग अलग तरह के कार्य करे होते हैं उनको एनालाइज करके. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज हाउ कैन गिव द राइट प्रॉपर नॉलेज टू द स्टूडेंट. तो हम बच्चों को प्रॉपर नॉलेज या फिर करेक्ट नॉलेज कैसे दे सकते हैं? बाय मेमोराइजिंग द लेसन, लेसन को मेमोराइज करवा के. बाय एक्सप्लेनिंग, लेसन को एक्सप्लेन करके. सेल्फ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स. और बाय टीचिंग इन इंटरेस्टिंग वे. तो बच्चों को अगर हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो हम उन्हें प्रॉपर नॉलेज को और लॉन्ग टर्म नॉलेज को बच्चे के अंदर डेवलप कर पाएंगे. नेक्स्ट इज हाउ शुड द स्टूडेंट बी टॉट द साइंस सब्जेक्ट. तो बच्चों को साइंस सब्जेक्ट कैसे सिखाना चाहिए? तो पहला है बाय गिविंग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, नहीं. बाय शोइंग प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल दिखा के, नहीं. बाय प्रैक्टिकल्स आर बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह बच्चे खुद ही करेंगे तो खुद सीखेंगे. तो लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से. नेक्स्ट इज वट इज़ नेसेसरी टू लर्न इन द क्लास. क्लास के अंदर सीखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो सबसे पहला है प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये भी बात ठीक है. फिर उसके बाद बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की, क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद लर्न टीचर, मतलब जो टीचर होना चाहिए उसके पास प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए, अच्छे टीचिंग मेथड यूज़ करे, इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाए बच्चों को. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज हाउ शुड चिल्ड्रन बी टॉट. बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? दे शुड बी टीच लैंग्वेज, उन्हें लैंग्वेज सिखा के, टेल स्टोरीज, स्टोरीज बता के, या फिर दे शुड बी टीच लैंग्वेज बाय प्ले वे मैथड, उन्हें जो लैंग्वेज है प्ले वे मैथड से सिखाए. तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग लैंग्वेज बाय प्ले वे मैथड. नेक्स्ट इज इफ द स्टूडेंट कुडंट आंसर द क्वेश्चन देन. अगर बच्चा टीचरों के क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रहा है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर शुड आंसर देम, उन्हें आंसर बता दे. टीचर शुड आस्क अदर स्टूडेंट्स, बट टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछने लग जाए. या फिर टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू गिव द आंसर. हाँ, तो ये ऑप्शन ठीक है. जो टीचर है वो बच्चे को एनकरेज करेगी ताकि वो आंसर दे सके, उसे कुछ हिंट वगैरह दे के. नेक्स्ट इज एजुकेशनल टूर इज़ नेसेसरी इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स. जो एजुकेशनल टूर्स होते हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं स्कूल के अंदर बच्चों के लिए? द स्टूडेंट फील हैप्पी टू ट्रैवल, वो हैप्पी फील करता है ट्रैवल करके. फिर नेक्स्ट इज स्टूडेंट इज़ नॉट ट्रेंड टू एज बर्डन द स्टूडेंट, मतलब बर्डन हो जाते हैं उन्हें, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा इस तरीके से. या फिर द स्टूडेंट गेट सेगमेंट्स नॉलेज विद डायरेक्ट रिलेशन और कॉन्टैक्ट. तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है कि बच्चे वहाँ पे जाएंगे, अपने उसे फिजिकली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से, तो उनके कॉन्सेप्ट जो होंगे और अच्छे से क्लियर होंगे. नेक्स्ट इज होमवर्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स. जो होमवर्क होता है वो बच्चों को किस लिए दिया जाता है? द स्टूडेंट शुड स्टडी, ताकि बच्चे घर पे पढ़ सके, नहीं. फॉर डेवलपमेंट ऑफ, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, नहीं. टू नो द हाउ मच स्टूडेंट अंडरस्टैंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया है, कि वो क्वेश्चन खुद से बिना टीचर की हेल्प या गाइडेंस से कर पाता है या नहीं, उस लिए. नेक्स्ट इज
Nowadays there are no educational interest in the students because आजकल जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. तो इसका मेन रीज़न क्या है? देयर आर लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस. बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा नहीं. एजुकेशन इज़ टू मच एक्सपेंसिव. एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गई है तो ये भी नहीं. दे कांट सी द बेटर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन. वो बेटर फ्यूचर नहीं देख पाते एजुकेशन के थ्रू. लास्ट ऑप्शन इज देर आर नो अप्रोप्रिएट सिलेबस एंड मॉडल ऑफ एजुकेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट सिलेबस नहीं है ना ही एजुकेशन के अंदर कोई रोल मॉडल्स हैं अच्छे.